जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भिवानी में किया खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। बोले, इस बार एबीवीपी और इनसो मिलकर लड़ेंगे छात्र संघ का चुनाव। भिवानी पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आने वाला समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बेहद कठिन होने जा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई मामलों में सीबीआई व ईडी जांच में फंसने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा को तो इस बात का दर्द है कि तेरा चीफ मिनिस्टर बनने का दाव लग सकता था, वो लगा नहीं, और अब जो है आने वाले दिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए बहुत कठिन होंगे। इतने सारे मामले सीबीआई के, ईडी के, और जितनी उनकी इंक्वायरीज हैं, या साधारण भाषा में कहूं कि जो बीज उन्होंने बोए हैं, अब वो काटने का समय आ गया। दिग्विजय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ संकेत दिया कि हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष छात्र संघ चुनाव एबीवीपी व इनसो मिलकर लड़ेंगे। इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छात्र संघ चुनावों पर चर्चा को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें बुलवाया था तथा कहा कि हरियाणा प्रदेश में लिंग दो कमेटी की सिफारिश पर छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष होंगे। स्टूडेंट इलेक्शन इस साल डायरेक्ट होंगे, इस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे एक पत्र बनाया था। विधानसभा का सेशन चल रहा था और ये सोच है कि स्टूडेंट्स की जो पूर्णतः मांग है उसको इस साल मान करके उसके इम्प्लीमेंटेशन लिंदो कमेटी की सिफारिश के तहत करते हैं। दिग्विजय चौटाला ने साफ किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर लड़ा है। हरियाणा में दोनों पार्टियों की गठबंधन सरकार है, दोनों ही पार्टियां छात्र संघ चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला शीर्ष नेताओं का होगा।